हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है फ्रॉम ऑलवेज माय होम। तो ये सेकंड इंटरनेशनल ट्रिप होने वाला है टू मलेशिया। जैसे हम लोग मलेशिया जा रहे हैं और मलेशिया में हम लोग दो जगह कवर करेंगे, एक कुआलालंपुर और एक सीक्रेट आइलैंड जिसका नाम मैं नहीं बताऊँगा एज अ सीक्रेट, वो उधर ही जाके बताऊँगा। तो अभी हमारी कैब आ चुकी है, सामान रखवा रहे हैं और फिर अभी निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। लेट भी हो रहा है, 1 PM का। अभी फाइनली हम लोग चेक इन कर रहे हैं, चेक इन मतलब एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं, यायरा एयरपोर्ट, और यहाँ पे मलेशियन एयरलाइन का है। तो पापा अभी ट्रॉली ले रहे हैं और सामान सब रखते हैं और फिर चलते हैं अंदर। हेलो। तो गाइस, अभी हम लोग फाइनली आ चुके हैं एंट्री करने के लिए एयरपोर्ट में। यहाँ पे एंट्री चेक होने वाला है, सारे पासपोर्ट वगैरह चेक हो गए, फिर हम लोग जाएंगे अंदर। और अभी देखते हैं, अभी बहुत बड़ा लाइन है, भीड़ भी है, गर्मी भी है, अंदर नॉर्मल रहेगा और शायद से लाउंज भी जाए। पिछली बार गए थे लेकिन इंटरनेशनल लाउंज इतना अच्छा भी नहीं है कंपेयर टू अदानी लाउंज जो है। सो अभी लेट्स गो। सो गाइस, अभी फाइनली हम लोग जा रहे हैं ढूंढने कि कहाँ है मलेशियन एयरलाइन का काउंटर और चेक इन करने, इतना सारा बैगेज है। तो सो लेट्स गो। तो यहाँ पे जे में है हमारा मलेशियन एयरलाइन MH175 J082 J11। तो प्रॉब्ली अभी चेक इन खोले है क्या? हाँ, वो शायद से चेक इन खुल गया। सो लेट्स गो एंड सी। और यहाँ पे ये नया लगा है, मतलब मुंबई एयरपोर्ट का डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है, ये रहा। तो अभी चेक इन करते हैं बैगेज और फिर लेट्स गो। मैं लेट्स गो क्यों बोल रहा हूँ, हाँ ऐसे तो ऐसे, माँ माँ ऐसे करो ऐसे। सो गाइस, यहाँ पे हमारा डिजिटल अराइवल कार्ड चेक हो रहा है, जो हम कंपलसरी होता है करना, नहीं तो फिर हमको एंट्री नहीं मिलता। तो जैसे वीज़ा है तो वीज़ा फ्री हो गया मलेशिया, लेकिन डिजिटल एंट्री कार्ड इम्पोर्टेंट है। तो वही अभी चेक हो रहा है, 3 डेज पहले करना पड़ता जब भी आपका फ्लाइट है, तो हमने कर लिया था, वही अभी चेक हो रहा है। और लगेज वगैरह दे गए चेक इन में। तो यहाँ पे अभी हम लोग इमिग्रेशन करवाने जा रहे हैं, हमको बोर्डिंग पास मिल गया, पहले हमको नहीं मिला था वही। तो अभी चलते हैं यहाँ पे इमिग्रेशन से, पहले सिक्योरिटी चेक, फिर इमिग्रेशन एंड फिर हम लोग आ जाएंगे ड्यूटी फ्री के पास। तो अभी सिक्योरिटी चेक होने वाला है, सो मैं वीडियो बंद करता हूँ। और इमिग्रेशन भी है तो इमिग्रेशन में भी शूट नहीं कर पाएंगे, सो अभी आपको मिलता हूँ डायरेक्ट इमिग्रेशन के बाद। तो गाइज, अभी हमारा हो चुका है इमिग्रेशन, सिक्योरिटी चेक, सब कुछ। तो अभी फाइनली हम लोग ड्यूटी फ्री में आ गए, ये ड्यूटी फ्री है पूरा। तो अभी हमारा 1 PM का फ्लाइट है और अभी 11 AM हो रहा है, तो बहुत टाइम है, दो घंटे आराम से चलते हैं। 10 मतलब हाफ एन आवर में सब कुछ हो गया। 10:30 को हम लोग बाहर थे, अभी 11 o'clock को हम लोग अंदर आ गए। तो देखते हैं अभी और क्या करेंगे अगर जाएंगे। तो गाइज, अभी मैं ड्यूटी फ्री थोड़ा एक्सप्लोर करने आ गया हूँ। तो ये इतना बड़ा छुपा छुपा गम बॉल आ रहा है, इसके अंदर छोटे छोटे छुपा छुप है, और ये किटकैट्स। वैसे जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं जो सीक्रेट आइलैंड है,
वो बहुत फेमस है फॉर देयर चॉकलेट्स, और वहाँ पे सस्ते चॉकलेट्स भी मिलते हैं, और यहाँ पे लेकर 61,000 भाई साहब। और यहाँ पे किसेस ये सब मिलते नहीं है इंडिया में, मतलब मिलते हुए तो बहुत इम्पोर्ट ड्यूटी में लगा के मिलते हैं। ये स्किटल्स, M&M, और देखते हैं और क्या क्या है। ये सब तो लेकर है और बस हो गया लगता है, इतना ही है, छोटा ड्यूटी फ्री है, और आगे वही अपना फूड कोर्ट वगैरह, ड्यूटी फ्री फ्रेंजी कंटिन्यूज इधर उधर। और यहाँ पे ये परफ्यूम्स और चॉकलेट्स वगैरह तो अभी यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिख रहे, सो लेट्स सी। वो देखो टॉबलेरोन, चैनल, अरमानी, देखो इशू का क्या कर रही है। इसको पता नहीं है दैट्स कॉल्ड लेट रियलाइजेशन। इसी को पता ही नहीं था मैं इतने देर से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। तो गाइस अभी यहाँ पे इशू खेल रही है एज यूजुअल। कितना खेलेगी? बहुत खेलूंगा जब तक मेरा फ्लाइट नहीं आ जाता। अच्छा, सो गाइस ये है टैक्सी वे पूरा, और वहाँ पे रनवे है, तो ये सारे फ्लाइट्स है। और अभी हमने पिज़्ज़ा खाया, इशू ने पिज़्ज़ा खाया, और फिर अभी हम लोग जा रहे हैं फ्लाइट की तरफ, क्योंकि हमको हो रहा है बहुत ज़्यादा लेट इसके लिए। सो अभी चलते हैं फटाफट फ्लाइट की तरफ, नहीं तो हो जाएगी लेट, और हमारा है मलेशिया कुआलालंपुर। सो गाइस आज की ये हमारी राइड है MH175 बोइंग 737 जो जाने वाली है मुंबई टू कुआलालंपुर, और ये फ्लाइट मेनली इकोनॉमी और बिजनेस क्लास है। ऑब्वियसली मेरे जैसा इसका नहीं है, दिस मलेशियन एयरलाइन, एंड ये स्मॉल है साइज में थोड़ा कंपेयर टू जो हमने दुबई में कवर किया था, और ये इंडिगो की बस, और हमारा एरो ब्रिज है सो हमको बस में नहीं जाना पड़ेगा। सो तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं फ्लाइट में, सो लेट्स गो। एक्साइटमेंट बहुत हो रहा है क्योंकि पहली बार बोइंग 737 में कर रहे हैं, पिछली बार हमने शायद 747 में किया था एमिरेट्स में। सो लेट्स गो।
सो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कुआलालंपुर एयरपोर्ट और ये फ्लाइट्स है। सो अभी हमारा इमिग्रेशन होगा, उसके बाद फिर देखते हैं, और क्योंकि फ्लाइट लैंड भी हुआ है सो कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है खास, कान बंद हो गए। वो तो लोकेशन तो कहीं से भी कहीं का डाल सकते हैं, वो अलग बात है। ये तो टुनटुन, ये तो टुनटुन मौसी नहीं, टुनटुनाटन टुनटुटन बगासी। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं मलेशिया, फाइनली इमिग्रेशन हो गया। सो अभी ऑफिशियली हम लोग मलेशिया में आ चुके हैं, तो अभी बैगेज क्लेम करने जा रहे हैं हम लोग। एफ में आया है शायद से हमारा बैगेज, शायद से क्या कन्फर्म्ड है। और फिर यहाँ पे मेट्रो भी चलता है कुआलालंपुर स्टेशन के लिए, और ग्रैब ऐप भी है जो टैक्सी के लिए, लेकिन हम ग्रैब लेंगे क्योंकि दो सूटकेस है और ट्रेन में ले जाना थोड़ा मुश्किल होगा इसके लिए। सो लेट्स सी, अभी बैगेज क्लेम करते हैं। तो गाइज अभी हमको यहाँ से गोल्डन ट्रायंगल डी फेस प्लैटिनम जाना है कुआलालंपुर पे, तो हम लोग ग्रैब भी कर सकते हैं और एयरपोर्ट टैक्सी, तो दोनों में से कोई एक देखते हैं। सो गाइज अभी हम लोग कैब बुक कर ले क्योंकि हमको ग्रैब पे 105 रिंगिट का दिखा रहा था और उसमें टॉल इंक्लूडेड नहीं है ऐसा टूर ये कैब एजेंसी का कहना है। सो और ये लोग 150 रिंगिट में लेके जा रहे विद टॉल इंक्लूडेड, सो होपफुली अच्छा ही हो। ये कार भी तुरंत दे रहे तो डी फ्लेस प्लैटिनम जाना है अपने को। सो गाइज अभी फाइनली मलेशिया बाहर आ गए हैं। मलेशिया की हवा मुंबई की तरह है, ऑब्वियसली गर्म तो रहेगा ही। यहाँ पे उल्टा मंडे को 30% प्रेसिपिटेशन चांस दिखा रहा है, और ये अपनी कार है शायद से सामने वाइट कलर की, और टोयोटा वेलफायर है क्या? सो लेट्स गो, अभी चलते डी फेस प्लैटिनम, टॉल भी आएगा। इन टोटल 1 आवर का राइड है। ये नहीं है अपना कार, कार आ रहा है अपना, ये तो नहीं है वो। पिछली बार हमको शायद से दुबई में मर्सिडीज मिला था, मर्सिडीज की ऐसी वैन आई थी, ये होंडा की है। सो लेट्स सी, अभी ये एयरपोर्ट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गाइस हमने ये होटल बुक किया क्योंकि मेनली ये केएल टावर के एकदम सामने है, और कल हमारा केएल टावर है तो हम लोग डायरेक्टली चले जाएंगे वॉकिंग डिस्टेंस पे। सो अभी लेट्स गो, यहाँ पे चेक इन करते हैं। इधर डी फ्लेस प्लैटिनम 1 और 2 है, सो अभी हम लोग 2 में आए, सो लेट्स चेक इन। सो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, चेक इन कर चुके हैं फाइनली, तो अभी हम लोग जा रहे हैं 23rd फ्लोर पे हमारा है। सो देखते रूम कैसा है। इट्स इनक्रेडिबल।